सब विशाल भाई, एक हफ्ते के बाद आज शूट पे आ रहे हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी पॉजिटिव राइट नाउ, फीलिंग वेरी वेल। एंड कोई बात नहीं, लाइफ है, उतार चढ़ाव होता रहता है। बहुत मजा आया है, मजा भी आया। टाइफाइड और डेंगू की मार पड़ गया हूँ मैं। हाँ, और अब वीडियो शूट करूँगा, कांटी की वीडियो आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, एक से एक वीडियो आएगा। कहीं ना कहीं डेंगू टाइफाइड मेरी गाँव फाड़ दिया। नहीं नहीं, अभी ज़्यादा बोलता हूँ तो सांस फूलने लगता है। नहीं नहीं, दिख रहा है आप। दिख रहा है ना? हाँ, कुछ भी खाता पीता हूँ तो थक जाता हूँ। बस अब कहीं घूमने का मन कर रहा है। कहाँ भाई? कहाँ? यहीं आसपास में घूमने जाऊँगा। अरे आसपास में जाओगे भाई की? गर्लफ्रेंड नहीं मेरी, मेरी कैटेगरी। देखिए वो, देखिए ये लगभग सो हे गाइज, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। यार काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज शूट पे जा रहे हैं। विशाल भाई की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, उसकी की वजह से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। बट अभी विशाल भाई एकदम फिट हो गए हैं तो वीडियो बराबर आएगी अब। एंड आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अलग शूट होने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहें एंड ब्लॉग को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो फटाफट से चलते हैं अपने लोकेशन पे। प्यारे बच्चे, तो थंबनेल बना के देते रहिए सर। ए भेज दिए भाई, कौन थंबनेल इतना छोटा छोटा बना लास्ट में? तुम टैग दिखा ना, तुमसे क्या करो, जो मैटर ऊपर लिखा हुआ है तो मैं जो पहले पहले टेक्स्ट में याद आ गया, याद आ गया। मैं क्या बोला था, आऊंगा भाई, आऊंगा करूंगा, बना दूंगा। तुम भाई थे ही नहीं, लखनऊ चले गए थे, मेरी गलती थोड़ी। मुर्गा टेस्ट पढ़ा थोड़ा भेज दियो, तुम मुर्गा खाए थे भाई। अरे तुम्हारा मुर्गा छूगा भाई का? नहीं नहीं, तुम इससे पिछली वाली वीडियो में बोल रहे थे कि आज के बाद मुर्गा उर्गा बंद। अरे गलती खा ली गलती से भाई, मैं वीडियो में तो देख रहा था एकदम गच्छों के तुम खा रहे थे। मैं खा लिया, क्या बताऊं, 800 रुपया दिया था ना। नहीं नहीं भाई, ये इसलिए खाया था क्योंकि इसने 800 रुपए दिए, बाकी वो मतलब खुद के इच्छा से नहीं खाया। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। मैंने सही बात है भाई, यहाँ मच्छर काटेंगे भाई। आपकी बार अगर मच्छर काटा विशाल भाई तो तुमको आपकी लग रहा है 15-20 दिन भर्ती करना पड़ेगा। अबे गन्ना हो रहा है सारे गन्ना। सो गाइस, देख सकते हैं हम लोग कितने जंगल में आके आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। बता भाई कहाँ बनी भैया? आगे आगे चलो, मैं बना दिया। बोल कैमरा एक्शन। भाई तबीयत ठीक है ना अब? हाँ यार, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। नहीं यार, एक हफ्ते से एडमिट से सुने हम। अरे यार, एक हफ्ता एडमिट था, एक हफ्ते से मैं जिम नहीं गया हूँ। अच्छा? ये देखो मेरा बाइसेप ट्राइसेप देख रहे हो, सब गल गया। छाती तो ढीला हो गया भाई, बहुत टेंशन हो गया डाइट को लेकर मुझे अब। अरे एक हफ्ते से नहीं गया हूँ ना भाई, 6 महीने तुम जा रहे थे, कुछ उखड़ा? लेकिन ऐसा बात नहीं है, जानते हो मेरे बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई, आई थिंक सो। कैसी कमी? अब ये बताओ, मैं जब जिम जा रहा था मेरी बॉडी देख रहे थे, कुछ तो ग्रोथ था कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं, ग्रोथ तो इससे था। पहले कुछ डिफरेंस था? काजू बादाम लोना लहसुन खाते थे। लोना लहसुन नहीं खाते? अरे मेरा मतलब कहने का मतलब काजू बादाम पिस्ता। और जानते हो 3,000 रुपया प्रोटीन लिया था, यहाँ तक मैं पर्सनल ट्रेनर लेकर जिम कर रहा हूँ इस समय। नहीं सुना था मैंने यार। और बता रहा हूँ, सुबह शाम 100-100 ग्राम पनीर, रात में फिश ऑयल, मल्टी विटामिन कैप्सूल, अश्वगंधा, और रात में वो सोते समय शिलाजीत भी लेता था। इसकी माँ की आँख मारो तब भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना 6-6 लीटर 6-6 डब्बा ग्लूकोज मेरी बॉडी में गया, तो कहाँ गया मादरजा? नहीं यार, तब तो यार कुछ ना कुछ तो तुम्हें फायदा करना चाहिए था। कपाट है शरीर में, कभी कभी सांस भी फूल रहा है। घबराहट हो रहा है? हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। आँख देखे तो, अरे तेरी माँ का कहा नहीं कहा? अरे तो कहा तो एचआईवी भाई, खून तो है नहीं तुम्हारी? सुबह शाम बकरी का दूध पी रहा हूँ 100-200 ग्राम। अरे 100-200 ग्राम बकरी दूध पीने से कुछ नहीं होगा, आँख तो देखो सूखे लकड़ी हो गया पूरा। एक्शन। तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ
अब यार तो मुश्किल है आना, ठीक है, लेकिन तुम पढ़ाई करना मन से मेरे भाई, ठीक है, दिल लगा के पढ़ाई करना, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए जिस तरफ के आगे तुम बढ़ रहे हो उसको हासिल करना, ठीक है, मन से पढ़ाई करना, लड़की के चक्कर मत पड़ना। लेकिन कभी कभी मैं स्त्री के मुंह में फंस जाता हूँ। अरे नहीं, कभी कभी चलता है, तो करूँ क्या, कभी कभी चलता है मेरे भाई, लेकिन हमेशा 24 घंटा उनके चक्कर में पीले मत रहना, हमेशा बात मत करना फोन पे, ज्यादा टाइम पढ़ाई पे देना, पढ़ाई के फोकस करना, कभी कभी बतियाना। हाँ, कभी कभी चलता है, ठीक है, जो जिस चीज की तुम यहाँ पे आए पढ़ाई करने के लिए उसको पूरा करना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, अपने जो चाहिए जो इच्छा है बनने के लिए उसको तुम पाना। आई कैन डू इट, जैसे मैं पढ़ाई करता था, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता था, मुझे मिला हर वो चीज, मिला जो मुझे चाहिए। तुमको मिला लक्ष्य प्राप्ति? मिला भाई, तुमको मिला तो मुझे लक्ष्य प्राप्ति मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तुमको लक्ष्य की प्राप्ति मिल गई। हाँ मिल गई यार। क्या मिली वैसे? बेरोजगारी। बेरोजगारी मिला? हाँ, बहुत ज्ञान पहले हमको तो लगा तुम बड़ी काम को, इंस्पिरेशन तुम हमारे बनोगे, मोटिवेशन तुम्हें तो रही मारी। सो फाइनली यहाँ पे हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट, आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।